Mohan bought 20 dining tables for Rs15000 and sold them at a profit equals to the SP of 5 dining tables. Find the selling price of one table. देखो यहां पे CP क्या है, सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लो. तो CP 20 डाइनिंग टेबल्स का कितना था, 15,000. सो वन डाइनिंग टेबल का कॉस्ट कितना होगा, ये 0 से 0, 2 से ये 150 को 2 से डिवाइड करोगे तो 70, तो यहां से एक 0 आ गया. तो वन डाइनिंग टेबल का कॉस्ट कितना मिल गया आपको, 750. नाउ यहां पे आपको फर्स्ट परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होगा. यहां पे कह रहा है कि प्रॉफिट इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 डाइनिंग टेबल. तो 20 डाइनिंग टेबल का कुछ 20 एसपी होगा सेलिंग प्राइस, नहीं पता तो 20 सीपी है आपको यहां पे, ठीक है. और ये प्रॉफिट इक्वल है किसके, 5 एसपी के. यहां से आप क्या लिखोगे, 20 एसपी को आप लेफ्ट साइड ले लो, तो ये 15 एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 सीपी. सो यहां पे एसपी बाई सीपी का रेशियो निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 15. इट मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस 15 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 20. तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 का प्रॉफिट है. कितने पे, 15 पे. तो आपको ये पता चल गया कि 1/3 का प्रॉफिट है, दैट इम्प्लाई 33.33% का प्रॉफिट है, ठीक है. अब वन यूनिट का सेलिंग प्राइस निकालना है आपको. वन यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना था, 750. इस पे 1/3 का प्रॉफिट आप इंक्रीज कर दोगे. इट मींस अगर 3 रुपीज कॉस्ट था तो उस पे 1 का इंक्रीज. सो फैक्टर कितना आएगा, 750 × 4/3. 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 250 × 4, दैट इंप्लाई 1000 रुपीज. सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी.